वेल आई थिंक आप ऑनेस्टी के साथ प्यार की जर्नी देखेंगे. आई थिंक लव विल फाइंड अ वे. लव इज वेरी रियल टू ऑल ऑफ अस. आई थिंक दैट इज व्हाट यू गोना सी इन दिस. आईपीएल के दौरान रिलीज कर रहे हैं तो वो कितना प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है सर. आईपीएल क्रिकेट है या हमारी फिल्म है? नहीं सर, हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट है हमारी फिल्म में और हम चाहते हैं कि लोग अगर आईपीएल के लिए चीयर्स करें और आके हमारी फिल्म में टर्मोइल फील करें या फिर एंजॉयमेंट और लाफ्टर और प्यार फील करें. तो आई थिंक वी आर वन इन दैट. आई आल्सो थिंक मे बी क्रिकेट इज मोर फॉर बॉयज, आवर फिल्म इज मोर द लव. The love story, which is maybe for girls, and then all the girls would take their boyfriends, and then everyone would have. Evelyn, you are doing two films right now, this Ishqe Darya and with Sunny Leone, Kuch Kuch Lota, Locha. So, what is the difference between the two films? Can you explain? Yeah, very simple. Kuch Kuch Locha is a comedy. This is a drama, and in Kuch Kuch Locha, I play a sexy NRI girl, and in Ishqe Darya, I play the simple small town girl. Kar lo warna main geela ho jaunga. Thank you. Thank you. Aap se do sawal aur the agar aap jawab de sake. Main pehle na ke aata hu fir se. 2 minute. 2 minute mein kitna pasand hai. Pehle aise se puchna. Any questions for Devi? Evelyn, what is love for you? What is love for me? I think nowadays, in our time, love has really lost its meaning. And I think love is much deeper than what we think of. So Ishqe Darya really shows love, because love, if you can sacrifice something for the person you love, then I think that's true love. फिल्म में मेन किरदार का रोल है, मतलब मेन किरदार अभी भारी आउट एंड आउट एकदम सीरियस फिल्म है और आपका लुक भी इसमें ग्लैमरस नहीं है, तो क्या लगता है कि आपके लिए हो गया दर्शकों के लिए और क्या कुछ नया इसमें करने वाले हैं? What's going to be more appealing in this character? Because you know you're not playing that glamorous avatar, and you're playing a simple lady. So what's going to be attracting the audience? I think, well, I hope that exactly that will attract the audience, that they get to see me in a different avatar, that they for the first time get to see me as the simple Indian girl. And I'm sure I will make lots more movies where I play the sexy girl, but I also want to try out different genres. So I think Ishqe Darya is a really, hopefully, a big game changer for me, and it's a very big day today for me in my career. पिछले दो साल से बहुत मेहनत की है आपने अपने आप पे, जी काफी कुछ चेंजेस किए, क्या कुछ चेंजेस किए हैं और क्या इस फिल्म के लिए क्या आने वाले कुछ इसके लिए कोई? बोलते हैं ना सर, यू हैव टू बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी. एंड आई थिंक जब मैं रेडी था, राजेश सर इस फिल्म के साथ मुझे अप्रोच किया उन्होंने, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी एंड जैसे कि आपने भी ट्रेलर देखा, आई थिंक मैंने राइट डिसीजन लिया, यू नो. एंड आई थिंक जैसे अभी एवलिन ने भी कहा था कि यू नो लोगों को ऑफकोर्स उन्होंने उनको ग्लैमरस रोल्स में देखा, बट टुडे इन दिस फिल्म इश्क़ दारिया में आप उनको एक फुल न्यू अवतार में देखेंगे. सो दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट टू हर एज इट इज़ टू मी. इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट टू माई प्रोड्यूसर एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू माई डायरेक्टर. तो इश्क़ दारिया इज़ बेसिकली अ कल्मिनेशन ऑफ एवरी वन थॉट सिंक्रोनाइज इन टू वन ऑब्जेक्टिव, यू नो. एंड दैट इज़ वॉट यू सी इन इश्क़ दारिया. बॉबी देओल की याद दिलाते हैं फिल्म के ट्रेलर के दौरान, तो क्या कहना चाहेंगे? वेल इनफैक्ट बहुत लोगों ने कहा है कि बॉबी देओल और मेरी रिजेम्बलेंस है, सो आई थिंक दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. इनफैक्ट उनके जो भाई है
सनी देओल, सनी पाजी, उनका ना मैं लाइक डाई हार्ड फैन, और ये आज उनके फिर ही हो रहा है. सो यू नो लाइफ कम्स फुल सर्कल, यू नो. सो आई एम वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स. सनी पाजी लाइक इज माय, यू नो, माय मोस्ट फेवरेट. तो एक्शन करते हुए कब नजर आएंगे आप? आप सिर्फ लव इश्क दारिया पार्ट 2 में मैं इनका रोल प्ले कर रहा हूं. इसमें मैं फुल एक्शन हो रहा है, फुल मिलिट्री कैंप होने वाला है. आप तो जानते हैं डैड को, इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. ऑफकोर्स जितना मैं एंथुजियाज्म के साथ उनको कुछ बताता हूँ, वो हमेशा वन वर्ड में रिस्पॉन्स दे के बताते थे. ऑफकोर्स ये ट्रेलर उनको दिखाया एंड उन्होंने सिर्फ नॉट किया, बस उनका मतलब इट्स गुड. तो ही डजंट लाइक टू लाइक यू नो बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंस देने की उनको आदत नहीं. उन्होंने बोला अगर काम अच्छा है तो एक नॉट मिल गया तो मीन्स इट्स अ गुड फिल्म. आप नाम में क्या रखा लोग बोलते हैं, तो आपके आगे एक उनका नाम जुड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंचे, आपको उनका नाम मिला, आप जल्दी से वापस गए, तो कितना असर होता है नाम का, आप ये बताएं. सर 9 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितना नाम का क्या कितना फायदा होता है या कितना नुकसान होता है, आप किस बात को बताएं? सर नुकसान ही बहुत नुकसान, बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि कंपैरिजन हो जाता है डायरेक्टली. अगर जैसे मैंने अभी हाथ उठाया तो डैड के जो फैंस है देखेंगे, अरे यार दादा ऐसे करते हैं, मीमो को ऐसा करना चाहिए, अरे दादा ऐसे करते हैं, मीमो को ऐसा करना चाहिए. तो ऑफकोर्स कंपैरिजन होता है. एंड जो जिसे हम लोग आज के ज़माने में हेटर्स कहते हैं, उनको तो उनका तो मतलब रात रंगीन हो जाती है. अगर कुछ भी खराब किया तो बोलेंगे बाप के जैसा नहीं है, अगर अच्छा किया पर हाँ बाप की तरह हो सकता है. तो दैट इज़ अ बैगेज आई हैव टू कैरी. इनफैक्ट आज जो मेरी आइडेंटिटी है, जैसे आपने पूछा है, महाक्षी के पहले मैं चक्रवर्ती हूँ. सो आई थिंक दैट इट्स सेल्फ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एन आइडेंटिटी. तो ऑफकोर्स बर्डन तो हो गए. महाक्षी लास्ट सवाल आपसे, एक ट्रेडिशनल फिल्म बनाने वाले आते हैं, यशराज जैसे बैनर, करण जौहर जैसे बैनर, और एक बाहर से कोई आता है अनुराग कश्यप जैसा व्यक्ति, वो फिल्म क्रिएट करता है, नए तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, तो ये कितना मायने रखता है इंडस्ट्री के लिए, आप बताएंगे? सर इंडस्ट्री बोलते ना कि इट्स एन इंडस्ट्री वेयर सबको, एवरीबडी गेट्स देयर ओन पीस ऑफ द केक. तो आई थिंक अगर यशराज है तो अनुराग कश्यप भी है, और अगर क्या बोलते हैं टिप्स है तो वीनस भी है. मेरा सवाल आपने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, मेरा सवाल ये था कि ट्रेडिशनल मार्केट जो चली आ रही है जी, उसके अलावा बाहर से बंदे आते हैं, विशाल भारद्वाज जैसे, विशाल महल जैसे, अनुराग, एक नया अटेम्प्ट करते हैं, रियलिस्टिक फिल्मों को बनाने का प्रयास करते हैं जी, तो वो कितना अच्छा है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए? सर वी हैव टेकन अ बिग लीप. अगर आप देखेंगे आज जितनी भी फिल्में आ रही है, यू नो आज इंक्लूडेड आई मस्ट से, कि आज होराइजन बॉलीवुड का बहुत बदल गया, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल. अगर ऑफकोर्स वी नीड द ट्रेडिशन टू कीप द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ बॉलीवुड, बट आज बॉलीवुड के सोच बदल गई, ब्रॉडन हो गई, एंड दैट इज वाई ग्रेट डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप हैव कम इन द पिक्चर, दैट इज वाई ग्रेट फिल्म लाइक एनएस टेन एंड बदलापुर हैव बीन मेड, बिकॉज आज हम लोग ऐसे सोचते हैं, बिकॉज ऑडियंस की सोच बदल गई है. That is why the films are getting better. So I think tradition meeting non-tradition, the new khichdi is always good. Thank you very much. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. Woo!